नमस्कार एग्जाम एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि जो किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा जब वो किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो उसे ऐसी पांच कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो वो बार बार दोहराता है जिसके कारण वो बार बार फेल होता है, तो क्यों उसके नंबर कम आते हैं, ऐसी वो कौन कौन सी गलतियाँ करता है, ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो सेशन में आपसे बातचीत करेंगे। तो आप देख रहे हैं रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू और आप हमारे इस वीडियो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो देखिए नंबर एक बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर एक बात है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ दूसरों पर कुछ ज़्यादा ही क्या है निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि हमें अपनी कोचिंग या फिर अपने टीचर से इतनी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उसकी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर लेना, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो किसी भी कोचिंग या किसी अन्य अपने क्या है जो भी आपके सहायक हैं, टीचर है कोई भी और, तो उनसे बहुत ज़्यादा उन पर निर्भर ना रहें। आप अपने आप भी ठीक है चीज़ें देखें, स्वयं पढ़ें, ज़रूरत पड़े तो उनसे आप जानकारी ले लें। तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि बहुत ज़्यादा किसी पर निर्भर ना रहें। आपको जॉब लेनी है, ठीक है, आपको एक अच्छी जॉब लेनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उसके लिए मेहनत कौन कर रहेगा, आपको करनी होगी, क्योंकि जॉब लगने के बाद लाभ किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। आप कहेंगे हमें सरकारी जॉब मिली है, उसके बाद मज़े कौन लेगा, आप लेंगे। तो उस मज़े पाने के लिए भी जो बीच में मेहनत करनी है वो भी अभी आपको ही करनी है, ठीक है। तो नंबर एक बात क्या है कि बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहे। अब बात करते हैं नंबर दो, ठीक है। तो नंबर दो बात है कि बहुत बच्चे क्या होते हैं फिर फेल हो गए, ठीक है, फिर फेल हो गए, बार बार फेल होते रहते हैं। तो ये ना हो इसके लिए क्या है या क्यों होते रहते हैं, तो देखिए जो होते रहते हैं उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने जो गलतियाँ की वो गलतियाँ वो बार बार करते हैं, ठीक है। जैसे पहली बार उन्होंने क्या किया कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर उन्होंने नहीं लगाए तो दोबारा फिर वो नहीं लगाएंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। सिलेबस वो पिछली बार उन्होंने पूरा सिलेबस नहीं देखा था, फिर नहीं देखेंगे, वो टॉपिक नहीं करेंगे और अपने पाठ्यक्रम की किताबों को नहीं पढ़ेंगे। यदि ये गलती बार बार आप करेंगे तो बार बार आप फेल होते रहेंगे। तो पहले क्या है कि पुरानी गलतियों को दोहराए नहीं यदि आप इस बार अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं तो दूसरी गलती आपको ये जानकारी हुई है कि पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है, जो गलती हो गई इस बार वो गलती नहीं करनी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर तीन। तो नंबर तीन मिस्टेक ये है कि देखिए सबसे बच्चा पहली बार कहीं कुछ पढ़ने जाता है कोई भी हो तो सबसे पहले एक बहुत मतलब बड़ी प्लानिंग करता है। वो कहता है कि नहीं मैं तो 100 में से मैं 95 नंबर लाऊंगा, 100 में से मैं 99 नंबर लाऊंगा, ठीक है। उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अनबिलीवेबल होती है, ठीक है। हाँ उसे वो प्राप्त कर सकता है लेकिन दिक्कत आती है, रणनीति तो बनाता है लेकिन उस पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाती उसकी रणनीति कि हाँ हमें 95 नंबर लाने हैं, तो 95 नंबर लाने तक उसे क्या क्या करना पड़ेगा कि पूरा सिलेबस पढ़ा उसने या नहीं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन किया या नहीं, सिलेबस को 4 बार रिवाइज़ किया या नहीं, क्योंकि बगैर इसके कभी 95 नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या जानकारी हुई है कि बच्चे क्या करते हैं कि अधिक नंबर लाना चाह रहे होते हैं, उसके लिए उनको करना क्या होगा कि सिलेबस को रिवाइज़ करना होगा, और वो सारा सिलेबस क्या है बार बार वो एक ही गलती करते हैं, सिलेबस वगैरह रिवाइज नहीं करते हैं, पूरा सिलेबस नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये नंबर तीन आपको मिस्टेक पता चल गई। अब आप यदि इन तीन में से कोई मिस्टेक करते हो तो मत करिएगा। अब बात करते हैं नंबर चार, नंबर चौथी मिस्टेक क्या करते हैं। तो देखिए अगर बात करें रियलिस्टिक वर्ल्ड में तो ह्यूमन जो माइंड होता है, ठीक है, ह्यूमन माइंड उसकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ शरीर की भी। वो करता क्या है कि एक बुक से उसको पढ़ना चाहिए कोई एक विषय, लेकिन वो करता क्या है कि एक बुक से ना पढ़ के बहुत सारी वो बुक्स खरीद ले लेता है, जैसे कि उसे उस एक विषय की पीएचडी करनी हो। जैसे उसे जीएस या जीके पढ़ना है तो नियम तो यह है कि जीएस जीके के लिए आपको एक बुक लीजिए, उसका प्रैक्टिस सेट लीजिए करिए, लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे कि विज्ञान इतिहास की 10 किताबें खरीदेंगे। तो क्या ये 10 किताबें 6 महीने में पढ़ना संभव है, क्या उनका रिविज़न करना संभव है?
तो देखा जाए ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, हम इसको असंभव नहीं कहेंगे लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ जीएस तो पढ़नी ही नहीं, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है। तो चौथी गलती ये है कि कई पुस्तकों का इकट्ठा कर लेना और उसे क्या है बहुत ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठा कर लेना। अधिकतर जो लोग असफल होते हैं उसमें ये जो कारण मैंने चौथा बताया है, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल, बहुत ज़्यादा पुस्तकें इकट्ठा करना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जिन बच्चों के पास अगर बाय द वे इकट्ठा भी हो जाती हैं ठीक है, तो उनको अलग कर देना चाहिए कि हाँ इसमें से हमारी ये काम की हैं या नहीं है, उन्हें अलग रख दो, कहीं बंद करके रख दो, जिससे दिमाग तुम्हारा शांत रहे कि हाँ मैं इतना ही पढ़ना। ठीक है, तो चौथी बात आपने ये सीखी कि जो बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा करते हैं वो ना करना। ठीक है, अब बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम आपको अब लास्ट बताएंगे पाँचवा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं, आप स्टडी है कि या फिर अच्छी रीडिंग अच्छी टिप्स चाहते हैं, तो वीडियो को आपस लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें यदि ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं जो कि आपके अमूल्य समय को बचाएंगी। तो पाँचवीं बात यह है कि देखिए जो डॉग होता है ठीक है, कुत्ता होता है, उसको भी एक अच्छा ट्रेनर बहुत कुछ सिखा देता है। ठीक है, जब कोई ट्रेनर उससे कहता है उसे किस पे भौंकना है, तो वो कुत्ता सीख जाता है कि हाँ हमें इस पे भौंकना है। ठीक है, लेकिन उस कुत्ते को सिखाने वाला कौन है, कोई व्यक्ति है, कोई ट्रेनर है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल देना चाहते हैं कि मतलब कैसे सीखा जाता है, हमारे बताने का तरीका ये है। ठीक है, तो चौथी गलती ये है कि स्व अध्ययन यानी सेल्फ स्टडी पर ध्यान ना देना। तो व्यक्ति करते क्या हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि हम एग्ज़ाम हमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, यानी जो व्यक्ति किसी कुत्ते को या किसी जानवर को जब ट्रेंड कर देता है, इसे ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है, तो वो जानवर वैसे ही बिहेव करने लगता है। आप देखेंगे कि बहुत से जानवर क्या हैं, इंसान की बात मानते हैं, वो इंसान जैसा कार्य करते हैं, तो एक बहुत ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग, इसमें कुछ अच्छे लोग क्या है उसको ट्रेनिंग देते हैं, वो सीख जाता है। ऐसा ही ह्यूमन माइंड होता है। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड को एक अच्छे गाइडेंस, ट्रेनिंग या फिर कोचिंग की ज़रूरत होती है, जिससे वो करे क्या कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की उसे ट्रेनिंग मिल जाए और वो आने वाले क्वेश्चंस को कहे कि अरे ये कोई पेपर है, ये तो बहुत आसान पेपर है। ठीक है, उसके मुख से ये शब्द निकलने चाहिए। अब ये शब्द कैसे निकलेंगे तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज आपने पाँच गलतियाँ जानी हैं, मैं एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ। पहली गलती कि दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपने आप करें अपना वर्क। दूसरी गलती, पुरानी गलतियों को दोहराएं नहीं। ठीक है, तीसरी गलती कि जो रणनीति आपने बनाई है कि हम इतने परसेंट लाएंगे, हमारी रैंक नंबर एक या नंबर दो होनी चाहिए, तो उस पर कार्य तो करें आप, तो रणनीति बनाना, कार्य नहीं करना। अब क्या करें, कार्य करना। चौथी गलती, पुस्तकें इकट्ठा ना करें। ठीक है, कम से कम पुस्तकें रखें, उन्हें पढ़ें। पाँचवीं गलती, स्व अध्ययन। ठीक है, सेल्फ स्टडी पर फोकस ना करना, लेकिन अब आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इनमें से कौन सी गलती आज से आप नहीं करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल, तब तक के लिए नमस्कार।